आज देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई। चर्चा के बाद बैठक में 8 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। कैबिनेट ने आखिर किन किन फैसलों पर मोहर लगाई, आइए जानते हैं ग्राफिक्स के जरिए। दंगाइयों की अब खैर नहीं, लोक तथा निजी संपत्ति अध्यादेश 2024 पर लगी मोहर। इस एक्ट के दंगाइयों व प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई और वसूली का प्रावधान किया गया है। ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 1976 में संशोधन प्रस्ताव को मिली मंजूरी। इस एक्ट में संशोधन से निजी भूमि पर उगे पेड़ों की कई प्रजातियों को वन अधिनियम से बाहर किया गया है। अब निजी भूमि पर पेड़ कटान के लिए वन विभाग से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। आपको बता दें कि अभी तक निजी भूमि पर उगे पेड़ों को काटने के लिए वन विभाग का परमिशन लेनी पड़ती थी। इसके अलावा और किन किन प्रस्ताव पर धामी सरकार ने मोहर लगाई है, आइए जानते हैं ग्राफिक्स के जरिए। वित्त विभाग के सहायक लेखा अधिकारियों के पदों पर प्रमोट होने वाले अधिकारियों के लिए नियमावली में होगा बदलाव। समाज कल्याण विभाग में केंद्र सरकार द्वारा SC के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति को राज्य सरकार ने अडॉप्ट किया। NIT सुमाणी श्रीनगर को मिली भूमि। आवास नियमावली में किया गया संशोधन, अब 6 लाख की धनराशि को 9 चरणों में दी जाएगी। पहले 7 चरणों में दी जाती थी राशि। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अशासकीय विद्यालयों में भर्ती की रोक हटी। अब उच्च शिक्षा में भर्ती की जो समिति बनी है वो माध्यमिक विद्यालयों में भी भर्ती करेगी। समिति ही तय करेगी कैसे हो भर्ती। फैमिली कोर्ट में चाइल्ड काउंसलर और जनरल काउंसलर के पद बढ़ाए जाएंगे। कोर्ट के आदेशों पर 4 जिलों देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में चाइल्ड और जनरल काउंसलर का 1-1 पद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।